है कि नहीं? हम भी तो आते हैं। बड़े लेट आए हो आप? हैं सर, बड़े लेट आए हो? नहीं लेट नहीं, कई जगह है ना। अच्छा। ये कहीं नहीं रहता। हाँ ठीक है, आप लोग करो, शुरू करो। आप करते जाओ।
करते का है ना सर, सब कुछ है ना। हाँ शुरू में कितना लिखा था वहाँ पर? अच्छा वो भी करते हैं, चलो इक्कीस इक्कीस फाउंडेशन के कार्यकर्ता यहाँ पे भी आस पास है और उनके आसपास जो भी लोग खड़े हुए हैं उनसे अनुरोध करें कि कहें कि वो बैठे इस तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। मैं इस समय दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हूं, जहां पे एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है जो बेटी फाउंडेशन के द्वारा सभी धर्मों की 21 जरूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिस संदर्भ में आप देख सकते हो कि यहाँ चारों तरफ यहाँ टेंट लगे हैं और जहाँ जहाँ कन्या की शादी होनी है वो सारा व्यवस्था हो रखा। और यहाँ पे जो है वो 21 जो दूल्हे बैठे हैं जिनकी यहाँ पे सामूहिक विवाह होना है, तो ये अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग समुदाय से हैं। और इस कार्य का जो आयोजन किया है वो बेटी फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, तो मैं कुछ लोगों से यहाँ मैं बात करता हूँ। यहाँ एक है सर, मैं नमस्कार सर। नमस्कार जी। नाम बताइएगा सर। मेरा नाम चौधरी नरेंद्र सिंह प्रधान है। और नरेंद्र जी ये बताइए कि आज यहाँ जो सामूहिक विवाह हो रहा है, जैसा कि लिखा कि सभी धर्मों की, तो यानी कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सब है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों की शादी होती है, या धर्म से कोई मतलब नहीं है, या गरीब बच्चियों की जिनके माता पिता समर्थ नहीं होते बच्चियों की शादी करने के लिए, उन सब की शादी की जाती है। तो ये सर जो बेटी फाउंडेशन है, क्या ये आप लोगों के फाउंडेशन है क्या? ये बेटी फाउंडेशन हमारी नहीं, आप लोगों की भी है। इससे जो इंसान जुड़ जाता है, जो इसमें अपना सहयोग देता है, उन सब की बेटी फाउंडेशन है। तो ये जो आज 21 जो जोड़े की शादी हो रही है, ये कहाँ कहाँ से आए हैं, दिल्ली के किस किस कोने से आए हैं? नहीं, ये दिल्ली से भी हैं, गाजियाबाद से भी हैं, नोएडा से भी हैं, जहाँ मर्जी से हम लोगों से संपर्क हो जाता है, हम उन सब का शादी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और उसकी स्क्रूटनी के बाद हम शादी कराते हैं, कोई गलती ना हो, पूरा का पूरा एक पेपर वर्क होता है, उसके बाद शादी कराते हैं। यानी कि यह प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रहा था? हाँ, हम हर साल करते हैं, जैसे अभी ये शादी हो जाएगी उसके 10-20 दिनों के बाद, या अभी भी कोई अगले साल के लिए कोई जोड़ा आता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसकी इंक्वायरी कराते हैं। सर एक बात बताए, जो ये शादी होंगी तो यहाँ पे आप लोग कोई प्रमाण पत्र भी देंगे इन लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन का? बिल्कुल, इनका शादी का रजिस्ट्रेशन बेटी फाउंडेशन से भी होता है, उसके बाद इनकी जो शादियों का रजिस्ट्रेशन जो SDM के कोर्ट में या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में होता है वो भी करते हैं। तो ये थे हमारे नरेंद्र जी। वैसे आप सर समाज से भी या किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? मैं समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है, पार्टी से बिलोंग भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे फिर किस पार्टी से बिलोंग? वो फिर इसमें जोड़ने से अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, तो मैं पार्टी से बिलोंग, तो हमारे नरेंद्र जी है ये बताना नहीं चाहे कि किस पार्टी से बिलोंग करते, कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरा समाज सेवा धर्म है। तो आइए, मैं और कुछ लोगों जो है यहाँ पर, मैं उनसे, मैं यहाँ लड़कों से बात कर सकते हैं हम, क्या जो ये लोग आए हैं? एकाध से कर लीजिए। एकाध से कर सकते हैं, तो आइए जो एकाध कुछ लड़के हैं, मैं उनसे थोड़ा ही उनसे मैं बात करता हूँ। आइए, तो क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ से आए हैं? धारवेड़ा से। धारवेड़ा से, तो ये शादी का कैसे पता चला आपको? ये हमें पहले से ही पता था, हमारे जो जीजा जी है उन्होंने बताया था, जो चकरपुर में रहते हैं, तो उनके द्वारा हमें ये पता लगा था। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलिए एक और है, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ से आए आप? किशनगढ़। किशनगढ़ मेहरौली। अच्छा, तो ये शादी का कैसे पता चला आपको? ये शादी का मोम ने मैडम से एक से बात करी थी, फिर सम्मेलन शादी के लिए उन्हीं के थ्रू पता चला। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। चलिए, आप अपना नाम बताएं।
अमन कुमार। कहाँ से हैं? दक्षिणपुरी। दक्षिणपुरी से। तो ये कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे? हो गए डेढ़ महीना हो गया। डेढ़ महीना पहले। चलिए, तो ये कुछ महिला है शायद स्वयं सेवी लग रही है। नमस्ते मैम जी, क्या नाम हो आपका? सीमा महेश कुमार। हाँ, तो मैम आप लोगों का क्या यहाँ पर क्रियाकलाप, कैसे योगदान कर रही है आप, कैसे योगदान दे रही है? हम इस ट्रस्ट से, बेटी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। आप बेटी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? टाइम से जुड़े हुए हैं, पिछले साल भी थोड़ा, जो भी योगदान होता है हम लोग करते हैं। बाकी सेवा करना सबसे अच्छा लगता है बेटियों के लिए, तो हम वही कर रहे हैं अपनी तरफ से। आप अपना नाम बताइए मैडम। तमन्ना जोशी। आप भी जुड़ी हैं फाउंडेशन से और अपनी सेवा दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं अपना, कि भैया यहाँ पे कोई भी कमी ना रहे हमारी वजह से। कितने दिनों से जुड़ी हैं? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो कैसा लग रहा है इस तरह का कार्य करके? अच्छा लग रहा है, और ऐसे कार्य होने चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग खाना तो किसी को भी खिला देते हैं। एक शादी करना, किसी की लाइफ में एक नई दुनिया बसाना, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये काम करके बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा मौका मिला कि इस कामों में मैं जुड़ी हुई। अगर ये मान लो कल के दिन में इन जोड़े के अगर जीवन में कोई समस्या आता, तो आप लोग मदद करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल, हम लोग खड़े हैं, हर टाइम खड़े हैं इन लोगों के साथ। इनके सारे परिवार का कॉन्टैक्ट है हमारे पास, और हम इनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इनके साथ खड़े। हमारी पूरी बेटी फाउंडेशन की टीम खड़ी है इनके साथ। वैसे आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। किशनगढ़। अच्छा, किशनगढ़ में रोल। अपना नाम बताएं मैम। सोनल रावत। आप कहाँ से आई हैं? मैं इसराइली लक्ष्मी नगर से आई हूँ। लक्ष्मी नगर से आई, यानी कि जमुना पार से आई हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये कार्य करके? देखो बहुत अच्छा लग रहा है इससे, बल्कि ये मिलता है कि हमारे को, जैसे हम लोग अपनी बेटियों की शादियों में इतना पैसा खर्चते हैं, तो उससे तो ऐसी शादियां करके और बच्चियों का भी भला हो जाएगा, उससे ऐसी करनी चाहिए हम लोग को। एक संदेश जा रहा है समाज में। क्यों नहीं जा रहा, ऑफकोर्स जा रहा है, कि इतना पैसा हम एक बेटी की शादी में 45-50 लाख रुपये लगाते हैं, इससे बढ़िया हम 45-50 लाख रुपये लगा के 20-25 बेटियों की शादी कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ बेटी फाउंडेशन के कुछ लोग थे यहाँ पे, हमारे कुछ भाई साहब हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? राज सैनी। आप कहाँ से आए सर? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो आप क्या बेटी फाउंडेशन से जुड़े हैं या ऐसे सामूहिक विवाह के लिए किसी के साथ आए आप? बेसिकली एक यज्ञ है, और यज्ञ में हम सभी का कर्तव्य होता है कि उसके अंदर आहुति डाली जाए। तो इस यज्ञ में हम आहुति एक सहयोग के माध्यम से डालने आए हैं, और हम गुड़गांव से आए हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छा एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ देखते हैं कि कुछ मंच पे कुछ लोग हैं। तो आइए, तो मैं यहाँ मंच के तरफ चलता हूँ। मैं आमंत्रित करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन करके जगबीर सिंह भाई साहब यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन करें, उसके बाद जयमाला। दूल्हा नंबर 4-2, जहाँ पे भी हो स्टेज पर पहुँचें, 2 दूल्हा नंबर 2। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मेधा जी, डॉक्टर सरिता पांडे जी, मैं अनुरोध करूंगा अपने चीफ पैटर्न श्री मनीष कुमार गौड़ जी से कि वो इस कार्यक्रम की दीप प्रज्वलन के साथ जोरदार तालियों के साथ इन सभी का स्वागत और कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन में स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, इसके साथ साथ हमारे सभी अतिथि कुछ आ रहे हैं, कुछ रास्ते में। गुरुग्राम सेवा ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन, हंस कल्चर सेंटर, मेंटराइज इंडिया प्रोजेक्ट, मोनिका सनी फाउंडेशन, अरुणा ओसवाल इनोवेटिव क्लब, इन सभी एक आवाज। मैं गौरव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, गौरव जी और उनकी टीम, कि वो दीप प्रज्वलन के बाद स्टेज पर आ जाए। और मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ कि जयमाला की प्रस्तुति जल्द से जल्द हो जाए।
नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर यहाँ तो 21 लड़कियों की शादी हो रही है, जो गरीब घर की लड़कियाँ हैं उनकी शादी कराना, जो अब मजबूर माँ बाप है, दान दहेज नहीं दे सकते, तो हमारी संस्था जो है वो उनकी शादी कराती है। ये जो पीछे जो सामान रखा वो संस्था द्वारा दिया गया? हाँ जी, सारा सामान संस्था के द्वारा दिया गया है। और ये देखिए, ये सामान जो है बेटी फाउंडेशन में लड़कियों को सिखाया जाता है सिलाई, तो उन्होंने ये सामान बनाया हुआ है, ये सामान उन्होंने बनाया और यहाँ इनको बेचने के लिए लगाया गया है। अच्छा, ये क्या है मैडम? ये बैग है और मास्क है, जो नए कपड़े से बनाए गए हैं लड़कियों के द्वारा, जो लड़कियाँ सीख रही हैं सिलाई उन्होंने बनाया है। आप क्या फाउंडेशन में? मैं एक मेंबर हूँ फाउंडेशन की, उनकी बेटी मेंबर हूँ मैं। नाम क्या है? वंदना चड्ढा। और कहाँ रहती हैं दिल्ली में आप? मैरोली में रहती हूँ। हाँ जी। और ये जो बेटी फाउंडेशन है बेसिकली ये दिल्ली में कहाँ पे? सर ये छतरपुर में ही है बेस्ड, इसका ऑफिस छतरपुर बेस्ड है। छतरपुर में कहाँ पे मैम? छतरपुर यही आपका ये जो मंदिर है। अच्छा, मंदिर के पास इसका ऑफिस है। अच्छा, छतर मंदिर के पास ही। हाँ जी। तो ये अभी मतलब क्या पूरे दिन का प्रोग्राम है ये? हाँ, जब तक विदाई नहीं होती, 2:30 बजे का टाइम है विदाई, 2:30 बजे तक विदाई होगी, तब तक प्रोग्राम चलेगा। इस संस्था का जो फाउंडर कौन है? फाउंडर जो है अनुज भट्टी। वो कहाँ मिलेंगे? वो अभी आपको स्टेज पे मिलेंगे, वो बोल रहे हैं, देखिए स्टेज पे वो बोल रहे हैं। अच्छा, अनुज भट्टी। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अनुज भाटी से मिल करके मैं बात करूँ। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनुज है और ये बेटी फाउंडेशन का कार्यकर्ता हूँ। आप फाउंडर हैं या कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता हूँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि आप फाउंडर हैं। वो उनका बड़प्पन है जी। तो लेकिन इस संस्था का नियम आपने ही रखा था जी। तो सर ये मन में आपको कैसे इस तरह का कल्पना है कि मुझे इस तरह का कार्य करना चाहिए? ये समाज में इतनी कुर्तियाँ चलती हैं, उस समाज को आगे, समाज को और देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है। तो ये कार्यक्रम जो आज दिन में कितने बजे तक चलेगा और कितने लड़कियों का और जोड़े का शादी यहाँ पे? 21 कन्याओं का विवाह है और 2 बजे तक चलेगा। और हमारे चीफ गेस्ट श्री जगवीर सिंह तवर जी हैं और हमारे मुख्य संरक्षक श्री जॉइंट कमिश्नर मनीष कौर जी हमारे बीच हैं, इनका कोऑर्डिनेशन। तो हमारे बीच जो कुछ है चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि लोग हैं। तो सर नाम बताइएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश है। इस तरह का जो कार्यक्रम में शामिल होकर के कैसा अनुभव होता है सर? सर बहुत अच्छा भगवान होता है और मैंने इससे बहुत लोग जोड़े हैं, अनुज के साथ बहुत लोग जोड़े हैं। और गरीब बच्चों की जो शादियां हो रही हैं, बड़ी खुशी मिलती है कि भाई, इसलिए हमारे जगबीर भाई ने बड़ा सहयोग दिया इसमें। और मैं कोशिश करूंगा अगली बार और भी अच्छा करवा के और लोगों को जोड़ के और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। सर हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर नाम बताइएगा। सर मेरा नाम जगबीर तनवर है। और क्या है सर, आप कुछ किसी पद पे हैं या किसी संस्था से जुड़े हैं? सर आप? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हमारे अनुज भाटी जी जो है, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे साथ संपर्क किया। कुछ सामाजिक कार्य हम गुप्त रूप से करते रहते हैं, तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे एक बेटी फाउंडेशन के तहत हम शादियां कराते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसमें आपका सहयोग रहे। तो मैंने कहा आपने मान सम्मान दिया है और अभी मैंने अपने गांव की तरफ से, जो हम ही कराएंगे, 11 लड़कियों की शादियाँ हमारी तरफ से, उसका जो भी खर्चा वर्चा होगा वो मैं दूँगा। यानी कि इस तरह का कार्य आप करते रहते हैं? मैं गुप्त रूप से करता रहता हूँ, लेकिन पहली बार है कि ये मुझे पब्लिकली ले आए। नमस्ते सर, नाम बताइएगा। सर मैं मुनीश कुमार गौड़ हूँ। कहाँ से आए सर? मैं बेटी फाउंडेशन का मुख्य संरक्षक हूँ और मैं पिछले कई वर्षों से ये जो हमारी शादियाँ हो रही हैं उसका जो हमारा कार्यक्रम रहता है उसमें कोऑर्डिनेशन वगैरह हम देखते ही हैं। और इसमें समाज के काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं और हर वर्ष इसी तरह से आप देखिएगा किस भव्यता से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। और ये गरीब बच्चियाँ हैं जिनके परिवारों के पास में अपनी बच्चियों की शादी के लिए ऐसा धन नहीं था, और कई बार तो ऐसा होता है कि धन लेने के लिए लोन लेने लिया जाता है और कई वर्षों तक उनका लोन नहीं चुकाया जाता है, तो वो कुछ डर भी उनके अंदर होता है, तो वो डर भी ख़त्म होता है ऐसे विवाह में जब हम संकल्प ले लेते हैं और समाज के लोग जब इसमें जुड़ जाते हैं, तो ये कार्य बहुत
सुंदरता से परिपूर्ण हो रहा है। आपके देखिएगा क्या भव्यता से आज हम यहाँ प्रांगण में हैं छतरपुर के मंदिर में, और यहाँ पर 21 गरीब जो परिवारों की बच्चियाँ हैं उनकी हम शादी करा रहे हैं, और उसके लिए हम ये भी देखते हैं कि जो वर हैं वो भी उनका भी पीछे का बैकग्राउंड देखा जाता है कि भी ये सुरक्षित सही रहेंगी, खुश रहेंगी, और इनके साथ में हमारा आने वाले समय में भी कई वर्षों तक इनके साथ में सानिध्य रहता है, और हम उनके ऊपर देख रेख रखते हैं और उनको आशीर्वाद हमारी और हमारे टीम और हमारे जो साथ में जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे जुड़ा मिलता रहता है। यानी कि शादी होने के बाद आपकी संस्था भी बरसों तक उन पर नज़र रखते कि वो ठीक से रहते हैं या नहीं रह पाते हैं। ऐसा होता है कि कई बार कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अब आज शादी हुई है, अभी परिवार बड़ा होगा, छोटी मोटी परेशानियां भी आती हैं तो वो भी देखी जाती है, क्योंकि गरीब परिवार हैं, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक हम उनको ध्यान देखते हैं। तो क्या नाम बताया था सर? मुनीष कुमार गौड़। मुनीष जी थे ये बेटी फाउंडेशन के जो संरक्षक है, और यहाँ पर आपने देखा कि कितना भव्य आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि बताया गया कि जो लोग गरीब असहाय जो अपने बिटिया की शादी नहीं कर पाते हैं, शादी के लिए लोन लेते हैं, उनको बरसों तक लोन चुकाना पड़ता, वो ऐसे लोगों के यहाँ पे मदद किया जाता है। Thank you.
ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।